Day four. ठीक हो गया अब देख क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं टू एक्सक्र माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो अब ये फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई लेकिन इसके साथ क्वेश्चन क्या है टू है दूसरी टाइप आ गई अब दूसरी टाइप का तरीका बताता हूं उसमें पहला स्टेप क्या करते थे प्लस वन है इक्वल दूसरे देंगे माइनस वन होगा अब इसमें एक और स्टेप है जो मैंने पहले बताया था कि मैं आगे जाके बताऊंगा तो वो वाला स्टेप है एक्स स्क्र के साथ वन होना चाहिए कोई भी वैल्यू एक्सक्वर के साथ टू है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है तो उससे डिवाइड कर देंगे सारी वैल्यू को क्योंकि एक्स स्क्र को हमने वन लाना है एक्सक्यर को ऑप्शन क्या लाना है वन लाना है तो टू है तो टू से इधर डिवाइड कर दें टू से इस टर्म से डिवाइड कर दें तो तो टू सेम टर्म डिवाइड कर इधर डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्र बच जाएगा इधर डिवाइड करेंगे तो माइनस टू एक्स बच जाएगा इधर डिवाइड करेंगे तो माइनस वन ओवर टू हो जाएगा अब स्क्वायर कंप्लीट करते हैं वही काम हो गया बस सिर्फ इसमें एक ये वाला स्टेप था कि जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर देते हैं डिवाइड कर दिया इधर भी इधर भी इधर भी तो ये हमारे पास वही काम हो गया देखें एक्स का स्क्यर माइनस टू इंटू फर्स्ट सेकेंड क्या होता है सेकेंड तरह लाते हैं जो एक्स के साथ वैल्यू होती है टू टू है तो टू है थ्री जो भी वैल्यू हो उसको वन ओवर टू से क्या करेंगे मल्टीप्लाई टू से टू कैंसिल वन तो इधर भी वन प्लस वन का स्क्वायर इज इक्ल टू माइनस वन ओर टू प्लस वन का जो भी एक्स्ट्रा लिखेंगे उसका स्क्वायर उधर भी स्क्वायर अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा होल स्क्र यानी ए है माइनस है तो माइनस यानी एक जगह एक्स है तो एक्स टू के साथ माइनस है तो माइनस बी की वैल्यू क्या है वन वन का स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन और टू प्लस वन ये वन का स्क्वेयर वन आ जाए अब एक्स माइनस वन का स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एल्सियम आ जाएगा इसका टू वेल टेबल टू से कैंसिल करे तो वन वन को ऊपर से मेरे बनकर माइनस वन प्लस टू वन जर टू हो जाएगा तो टू माइनस वन वन ओवर टू अब स्क्यर है स्केयर रूट लें दोनों तरफ स्केयर रूट ऑन बोथ साइड इधर भी स्क्यर रूट इधर भी स्क्यर स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन का रूट हमेशा वन होता है टू का रूट वैसे का वैसे अब एक्स माइनस वन को उधर तो ले आए प्लस वन प्लस माइनस वन टू अंडर रूट एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट वन जर अंडर रूट प्लस माइनस वन आ जाएगा तो ये आपका सोल्यूशन सेट इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ फिर बता देता हूँ दोबारा दोबारा बता रहा हूँ जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो इसी तरह ही हैं वो आपने खुद करने हैं जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएंगे क्वेश्चन मैं सारे भी आपको पढ़ा दूं, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा आप इन क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार करें तो जो क्वेश्चन नहीं भी कराएँ वो भी आपसे हो जाएंगे जब आप ये जो कराएं ना इनको तीन तीन चार चार दफ़ा करें ठीक हो गया और जो नहीं कराए हैं तो उनको जब आप इनको प्रैक्टिस करने के बाद जब उनको करेंगे जो नहीं कराएं तो वो भी आपको आ जाएंगे वो उनमें कोई मुश्किल नहीं होगी तो वो आप कहेंगे इतने आसान क्वेश्चन है ठीक हो गया अब इस डे का लास्ट क्वेश्चन एक्स स्क्र प्लस एम एन एम एक्स प्लस एन इको अब इसमें देखें वेरिएबल कौन से आ गए हैं हमारे पास जो कॉन्स्टेंट वैल्यू हैं वो क्या गए जर्नल फॉर्म बन गए इसमें वन टू थ्री नहीं है इसमें उसमें एम दे दिया एन दे दिया तो कॉन्स्टेंट है एन जिसके साथ नहीं होता है, उसको के साथ स्टेप हो गया दूसरे स्टेप में प्लस टू फर्स्ट है। सेकंड कैसे लाएंगे? जो साथ जो भी वैल्यू है, एम है तो एम मल्टीप्लाई टू इधर तो तो भी आएगा एम ओवर टू का स्क्र भी आ जाएगा एक की जगह एक्स है तो एक्स लिख दें बी की जगह एम ओवर टू है तो एम ओवर टू टू के साथ प्लस है तो प्लस लिखें टू के साथ अगर माइनस हो तो फिर दरमियान में क्या लिखना है माइनस लिख देना है अगर प्लस है तो प्लस लिखना है इज इक्वल टू माइनस एम प्लस एम का स्क्वेयर एम स्क्यर टू का स्क्वेयर फोर आ जाएगा तो एक्स प्लस एम ओवर टू होल स्क्र इक्वल टू अब इसका एल्सिम क्या आता है फोर आता है इस क्योंकि इसके, इसके नीचे वन है तो फोर को एन से मल्टीप्लाई करें तो माइनस फोर एन प्लस फोर वल्टेबल फोर से कैंसिल तो एम स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा तो एक्स प्लस एम ओवर टू तो एम प्लस वाली वैल्यू पहले लिख दी है माइनस वाली वैल्यू बाद में इज इक्वल टू अब स्क्वेयर है तो स्क्वेयर को कैंसिल करने के लिए स्क्वेयर रूट लेते हैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड तो स्क्वेयर इधर भी स्क्वेयर रूट इधर भी स्क्वेयर रूट रूट कैंसिल एक्स प्लस एम ओवर टू इज इक्वल टू प्लस माइनस अब ऊपर का अंडर रूट है तो एम स्क्वेयर माइनस फोर एन अंडर रूट आ जाएगा फोर का रूट क्या होता है टू होता है अब एक्स इज टू प्लस एम ओवर टू है उधर जाएगा माइनस एम ओवर टू प्लस माइनस एम स्क्र माइनस फोर है टू अब इसका एलसीएम क्या आता है टू है इधर भी टू है इधर भी टू है टू आ जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा माइनस एम प्लस माइनस एम माइनस फोर रूट टू सेट क्या आएगा ये यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है डे फोर में ठीक हो गया एक्सरसाइज के 21 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं जो क्वेश्चन नहीं कराए वो आप लोगों ने खुद करने हैं स्टूडेंट्स आज डे फोर है और डे फोर में हम तफी सवाल नंबर जो है वो पाँच पड़ेंगे स्टूडेंट्स डे फोर में हमारे पास सवाल नंबर पाँच है और इसका पेज नंबर है आपकी बुक का फिफ्टी सिक्स निकाल लीजिए और सवाल नंबर पाँच है मुस्म लीग का क्याम जो है और इसकी अमीय पर रोशनी डालें यानी कि मुस्लिम लीग का क्या काबा मल में आया था और इसकी अमियत बयान करें यह सवाल नंबर पाँच है हमारे पास तो इसमें वो लिखता है कि इंतजामी सहलियात के पेश नज़र लाडकीर्तन ने उन्नीस सौ पाँच में बंगाल को दो इसमें तकसीम कर दिया जिससे मुसलमानों को फ़ायदा हुआ हिंदुओं ने इसकी सख्त मखालफत की हिंदुओं की मखालफत शिमला वक्फ़ की कामयाबी और अंग्रेज़ों के आइनी असलाहत के रुझान को देखकर मुसलमानों ने अपने सियासी मफाद के तहफ़ के लिए एक सियासी जमात के क्याम का सोचा दिसंबर उन्नीस सौ छः में ढाका में ममडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना अजलास हुआ जहाँ सियासी जमात की तश्क़ील पर गौर हुआ तीस दिसंबर उन्नीस सौ छः को नवाब वकारकारमलक के जेर सदा, सदारत एक ख़ास अजलास में नवाब सलीम उल्लाह की तहरीक पर आल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से एक सियासी जमात कायम हुई सर आगा खां इसके पहले सदर मुकर हुए मरकजी दफ्तर अलीगढ़ में कायम किया गया यानी कि उन्नीस सौ छः में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई और इसके जो पहले सदर बनाए गए वो सर आगा खां बनाए गए अच्छा मुस्लिम लीग बनाई गई और इसके मकाद क्या थे इसमें वो लिखता है कि आल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों की पहली सियासी जमात थी क्योंकि इससे पहले जब मुस्लिम लीग नहीं थी तो इससे पहले हिंदुस्तान के अंदर एक ही सियासी जमात तबर की जाती थी और उसको हम कांग्रेस कहते थे और हिंदू भी इस बात का दावा करते थे कि जी हिंदुस्तान के अंदर एक ही सियासी जमात है और वो है जी कांग्रेस लेकिन 1906, नए मुस्लिम लीग की बुनियाद रखकर यह साबित कर दिया गया कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक सियासी जमात नहीं है बल्कि अब दो सियासी जमातें हैं एक मुस्लिम लीग है और एक कांग्रेस है तो मुस्लिम लीग के मकासद क्या थे इसमें वो लिखता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के लिए जज्बा वफादारी पैदा करना और हकूमत की गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करना मुसलमानों के हकूक़ व मफदात का तहफ़ करना और इनके मुतालबात को हकूमत तक पहुँचाना हिंदुस्तान की तमाम दूसरी अकवाम, खूसा हिंदुओं के साथ ताउन करना यानी कि ये जब मुस्म लीग बनाई गई तो ये इस ये इसके तीन बुनियादी मकासद थे अब मुस्लिम लीग की अमियत क्या थी मुसलम लीग के बनाने की उसमें वो लिखता है कि ये एक हकीकत है कि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान की बानी बानी जमात होने का शर्फ हासिल है कैद अजम ने उन्नीस सौ तेरह में मुस्म लीग में शामिल होकर इसे मजीद फाल बनाने की कोशिश की इन्होंने इसके प्लेटफॉर्म पर रह कर कहीं कारनामे सर अंजाम दिए जिससे इसकी अफादियत तो अहमियत बढ़ती चली गई आखिरकार ये मुसलमानों की नुमाइंदा जमात बन गई मुसलम लीग ने मुसलमानों को असास कमतरी में मुतबला होने से बचाया उन्नीस सौ नौ में जुदगाना इंतहा के मुालबे को मनवाने में कामयाबी हासिल की और दो कौमी नज़रिए को तकवीत पहुँचाई नंबर दो मुस्लिम लीग ने बरसीर के मुसलमानों में सियासी शहूर और मिली एहसास पैदा किया इनकी सियासी तारीख और आज़ादी की जदोजहद को नई जिंदगी बख्शी अच्छा स्टूडेंट्स नंबर थर्ड पॉइंट है मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि वह अपने हकूक़ का तहफ़ कर सकें इनके मफदात की निगरानी की और इनके मुतालबात को मौसर तरीके से हकूमत वास के सामने पेश करती रही नंबर फोर है मुस्लिम लीग के अजलास में ही इकबाल ने उन्नीस सौ तीस में सबर पाकिस्तान पेश किया उन्नीस सौ चालीस में मुस्लिम लीग की तरफ़ से बाकायदा तौर पर किरदार लाहौर के ज़रिए अलग वतन का मतालबा किया गया कैद आज़म की क्यादत में मुस्म लीग ने जदोजहद की और पाकिस्तान एक इस्लामी मलकत के तौर पर मर्द वजूद में आया तो इसरा स्टूडेंट्स ये हमारा डे फोर का काम था सवाल नंबर पाँच जो आपको पढ़ा दिया गया अब आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से याद भी करना है अपने नोटबुक्स के ऊपर नोट भी कर लेना है जी तलबा चलते हैं सबक के चौथे दिन की तरफ जी शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और बार बार रेम फरमाने वाला है या यूह लजीन करो अलैकुम ऐ ईमान वालो तुम अपने ऊपर अल्लाह की उन नेमतों को याद करो इस जात जब जा तुम्हारे ऊपर लश्कर आए फ़रसल्ल हमरी तो हमने उनके ऊपर हवा को भेजा व जुनूदन और ऐसे लश्कर भेजे लम तरहा जिनको तुम देख नहीं पा रहे थे यानी फरिश्ते और हवा वकान अल्लाह बिमाता मलोन वसीरा और जो तुम करते हो अल्लाह उसे देखने वाला है वईस जािन असफलामिन कुम और जब दुश्मन की फ़ौजों तुम्हारे ऊपर आईं तुम्हारे ऊपर की तरफ से और तुम्हारे नीचे की तरफ़ से वही ज़ा ग़तिल अबसारो और जब तुम्हारी आँखें पथरा गईं टेढ़ी हो गई वबला गतिलूबालहनाजिरा और तुम्हारे दिल जो है वो गलियों तक पहुँच गए व तज़्नब्ला ज़ुनूना तो तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान कर रहे थे हुन लिका इस मौका के ऊपर अब तुलना ममिनिन को सख्त तरीके से आज़माया गया वजुलजलोजल जन शदीदा उस सख्त तरीके से जोड़ा गया ये वो जो मैंने आपको सवाल बताया था कि अल ईमान का अमल क्या था यहाँ से लेकर यहाँ तक अल ईमान का अमल बता रहे हैं और यहाँ से आगे मुनाफिकिन का अमल बता रहे हैं वही यक़ूलमुनाफिकफिको भी मराजुन व मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों के अंदर मस्त था कहने लगे माँ वन अल्लाह रसूल ऊरूरा और उसके रसूल का वादा के सिवा कुछ भी ना था वही कल तौफ़त मिन हम और एक गुरु उनमें से कहने लगा या अहला य मदीना ला मुकामकम यहाँ तुम्हारे लिए ठहरने की कोई जगह नहीं है फ़र्जी तुम अपने घरों को वापस लौट जाओ तवाइफतुम कहते हैं ग्रोह को वयस्ता अजीन फ़रीक़ ममिन हमनबिया और एक ग्रोह फरीक़ एक ग्रो इजाज़त मांगने लगा उनमें से नबी सल्ह वसलम से क्या इजाज़त मांगने लगा यक़ूल तना कि हमारे घर पीछे खुले पड़े हैं वमा भी अभी आउर तलांकि उनके घर खुले हुए नहीं थे इनद्ला फरारा वो तो महज़ भागना चाहते थे वलो दुखलत अल हिमन अकतारिहा अगर दाखिल हो जाए उनके ऊपर अतराफ़ सेफ हो जाए तुम मसलनता फिर उनसे शरअंगेज़ी के बारे में कहा जाए लाआ तो, तो वह आ जाएँगे वमा तलब बसो बिहा और बिल्कुल तवफ़ नहीं करेंगे इंतज़ार नहीं करेंगे इल्ला यसीरा मगर वो थोड़ा वलक़द कानुआ हद्ह मिन कवलू जबकि वो इससे पहले अल्लाह से वादा कर चुके हैं ला लाएल्लू कि वो अपनी पुश्त को नहीं फेरेंगे वकान हद मसऊला और अल्लाह अपने वादे के बारे में लाजमी पूछेगा कुल मोहम्मद आ फरमा दीजिए लाकमार उनफ़र तुम तुम्हारा भागना तुमको कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा मिनलमोती मौत से अविल कतली या कतल होने से वजल्ला तुम तऊन कलीला और अगर तुम्हें फ़ायदा मिला भी तो बहुत मामूली महम्मद कह दीजिए मन मन्जा, मंजल यासमिन कौन है वो ज़ात जो इनको बचा सके अल्लाह के सिवा इन अराद अभी अगर अल्लाह इनके साथ सजा का कोई मामला करना चाहे और अराद अभी कुमरह या अल्लाह इनके साथ कोई मेहरबानी और रहमत वाला मामला करना चाहे तो कौन बचा सकता है वला यजिदून नहुम नहीं पाएंगे ये लोग मिन अल्लाह के सिवा वली कोई दोस्त वला नसीरन और ना कोई मददगार यानी अगर अल्लाह इनको मौत देना चाहे या इनको कोई सजा देना चाहे या अल्लाह इनके साथ कोई रहमत का मामला करना चाहे तो अल्लाह कह रहे हैं मोहम्मद इनसे पूछो कौन तुम्हें बचा सकता है तो आगे अल्लाह खुद जवाब दे रहे हैं कि वो अल्लाह के सिवा इनका कोई दोस्त और मददगार नहीं होगा

वाय तम झुर्व ना तो देखेगा इनको राय तम तुम देखोगे इनको यन झुरू न का ये तुम्हारी तरफ देखते हैं तदोर आयुन हम इनकी आँखें घूम रही होती हैं कल लजी युकश हिमर मऊत जैसे मोसे गशी होते वक़्त आँखें घूमती हैं फ़ैज़ा जहाबलफ जब खौफ चला जाता है सलाकूकमसनात हदादिन तो तेज़ ज़बानों के साथ तकलीफ़ पहुंचाते हैं तुमको हिदात तेज़ अशनआली अलखीर ये माल गनीमत के बारे में लालची हैं उला एक उमिनों ये लोग ईमान नहीं लाए फ़हबत आमाल अल्लाह ने इनके अमाल को ज़ाय कर दिया वक़ान अजा का यसरा और ये अल्लाह के ऊपर बहुत ज़्यादा आसान है ये सब मुनाफिकन के बारे में कह रहे हैं यह सबून लालम यहाबू ये गुमान करते हैं कि फौजें नहीं गईं लहजाबू अगर फौजें वापस आ जाएँ यव यव दू तो ये चाहेंगे लो अन्ना बाब का शाम अपने देहातों में होते यस अलो नान अम्बा युम तो वो पूछते हैं तुम्हारी ख़बरों के बारे में वलो का नोफी कुम माँ का तलो अगर ये तुम्हारे अंदर मौजूद भी होते माँ का तलो ये जंग में हिस्सा ना लेते इल्ला कलीला मगर बहुत कम तो तलबा यह आपका तीसरी अचोडी का सबक क्या हो गया भई मुकम्मल हो गया इसको अच्छे तरीके से याद करना है